जय माता वैष्णो देवी। प्रस्तुत है माता वैष्णो देवी के अनन्य भक्त बाबा चितमल जी की गाथा। इनके समर्पण के समक्ष झुक जाता है माथा। वैष्णवी दुर्गा के महान भक्त अमर बलिदानी किसान बाबा चितमल डुग्गर देश के कुल देवताओं के सिरमौर माने जाते हैं। इनका जन्म कटरा वैष्णो देवी के समीप अघार गांव के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे माता जाजा और पिता रूपचंद की इकलौती संतान थे। माता पिता ने उनका नाम जितमल रखा था। वे बहुत स्वाभिमानी होने के साथ साथ श्री माता वैष्णो देवी के परम भक्त थे। वे प्रातःकाल अपने गांव से नंगे पांव त्रिकुटा पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में जाकर स्नान कर दर्शन करते थे और उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे। 12 वर्ष के निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और वरदान स्वरूप अपने एक अंश के साथ उनके घर पुत्री होकर बुआ कौड़ी के रूप में जन्म लिया। पुत्री के जन्म के बाद उनकी पत्नी इच्छरा का स्वर्गवास हो गया। उन्होंने अपनी पुत्री का नाम बुआ गौरी रखा, कौड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने बड़े प्रेम एवं श्रद्धा भक्ति से अपनी बेटी का पालन पोषण किया। वे बड़े धर्मनिष्ठ किसान थे और खेती बाड़ी करके अपना भरण पोषण किया करते थे। उनके 7 चचेरे भाई थे जो कि रिश्ते में उनके मौसेरे भाई भी थे। उन भाइयों ने उनकी जमीन हड़पने के लिए कई बार उनकी हत्या का प्रयास किया था, लेकिन भगवती माँ दुर्गा ने हर बार उनके प्राणों की रक्षा की थी। अपनी मौसी जोजा और उसके बेटों की दुष्टता के कारण अपनी 5 वर्ष की बेटी बुआ कौड़ी की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपना पैतृक गांव त्याग दिया और घरोटा जागीर के गांव पंजोड़ में अपने मित्र रल्लो लोहार के पास आ गए। जितमल जी चाहते थे, इसीलिए वे खेती बाड़ी के लिए पट्टे पर कुछ भूमि लेने के लिए अपने मित्र रल्लो लोहार के साथ मेहता वीर सिंह से मिले, जो कि जागीरदार थे, और अपनी आप बीती बताई। जागीरदार ने ब्राह्मण जान उन्हें बहुत से धार्मिक क्रियाकलापों तथा मंदिर में पुजारी पद देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन जितमल जी ने पट्टे पर भूमि लेने का आग्रह किया क्योंकि वे धर्मनिष्ठ किसान थे, माता पुत्र का संबंध मानते थे। जागीरदार ने उन्हें संतुष्ट करने के लिए गुड़ा सिंघू नामक एक जंगल की कठोर और बंजर भूमि खेती बाड़ी के लिए इस आधार पर दी कि जितमल जी पैदावार का 1/4 हिस्सा जागीरदार को दिया करेंगे। जितमल जी ने माता वैष्णो देवी के पावन धाम त्रिकुट पर्वत को नमस्कार करके जंगल साफ करने का काम आरंभ किया और जंगल के रखवाले हरिचंद समाज के ईसो मेघ के साथ मिलकर दिन रात कठिन परिश्रम किया, उस ऊसर भूमि को खेती के लिए तैयार किया। उन्होंने वहां कृषि कार्यों के लिए एक सरोवर का निर्माण भी किया। कहते हैं कि अनेक दिव्य शक्तियों ने इस कार्य में जितमल जी की सहायता की थी। अब सारा जंगल एक सुंदर खेत में तब्दील हो गया। माँ भगवती की कृपा से जितमल जी का कठिन परिश्रम रंग लाया। उनके खेत की इतनी अच्छी पैदावार हुई कि इसे देखकर सभी हैरान हो गए। उस रोज विक्रम संवत 1458 की आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था। खलियान में सोने जैसा गेहूं देखकर जागीरदार मेहता वीर सिंह लालची हो गया और चौथाई हिस्से के बजाय फसल का आधा हिस्सा लेना चाहा। बाबा जितमल जी निर्धारित बात से अधिक गेहूं देने के लिए तैयार नहीं थे। मेहता वीर सिंह ने अपनी ताकत के बल पर जबरदस्ती गेहूं की फसल बाबा जितमल जी से लूटने का प्रयास किया, जिसका बुआ बाबा जी ने पुरजोर विरोध किया और कहा, सुखी कनक ने खाया मैतिया दिन्ना मांस रलाई, अर्थात सुखी कनक को मत खाना, मैं इसमें अपना रक्त और मांस भी मिला देता हूँ। इतना कहकर जितमल जी ने वैष्णवी दुर्गा की प्रेरणा से इस जुल्म के विरुद्ध अपने हृदय में कटार घोंप कर आत्म बलिदान कर दिया। ये देखकर ब्रह्महत्या के भय से डर कर जागीरदार और उसके करिंदे गेहूं छोड़कर भाग गए। देवी माता के परम भक्त के साथ हुए घोर अन्याय पर प्रकृति इतनी कुद्र हुई कि भयंकर आंधी तूफान आया और तेज बारिश में सारा गेहूं बह गया। पिता के बलिदान का समाचार सुनकर बुआ कौड़ी पर मानो बिजली गिर गई। बुआ का विलाप सुनकर सभी की आंखें भर आई। अब 5 वर्ष की कन्या संसार में अकेली रह गई थी। गोसाई नत्थू शाह जी ने रल्लो लोहार एवं ईसो मेघ के साथ जिड़ी जंगल में नदी के किनारे अपने बलिदानी बाबा जितमल जी की चिता को मुखाग्नि दी और 5 साल की बुआ कौड़ी चिता में छलांग लगाकर
अपने बापू के साथ सती हो गई और पंचतत्व में विलीन। उनके बैलों की जोड़ी ने भी बुआ बाबा के वियोग में प्राण त्याग दिए। जागीरदारी व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद कर डुग्गर लोकनायक अमर शहीद बलिदानी बाबा जितमल जी को अनेक जाति बिरादरियों ने अपना कुल देवता मानना शुरू कर दिया। सयालकोट के आनंद जाति के दो खत्री भाइयों सुद्धू और बुद्धू को सपने में आकर बाबा जित्तो ने दर्शन दिए और जिड़ी में अपने चिता स्थान पर मंदिर बनाने की प्रेरणा दी। कार्तिक मास की पूर्णिमासी के दिन इस मंदिर की स्थापना की गई। तब से हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन होता चला आ रहा है। डुंगर लोकनायक बाबा जी के दरबार में सबसे पहला भोग खिचड़ी के रूप में लगाया गया, इसलिए यहाँ पर खिचड़ी का प्रसाद चढ़ता है और बुआ दाती जी को जो 5 साल की कन्या है उन्हें रिझाने के लिए खेल खिलौने खिन्नु गुड्डी के रूप में चढ़ाए जाते हैं। ऐसा मानना है कि बाबा जी के दरबार में सच्चे मन से जो भी मनोकामना करे वो जरूर परिपूर्ण होती है। जिस स्थान पर बाबा जित्तो ने जंगल साफ करके खेत बनाए थे उसे आज बावेदा तालाब के नाम से जाना जाता है। सभी प्रकार की व्याधियों और बीमारियों का इलाज यहाँ स्नान करने से होता है और जहाँ चिता जलाई थी उसे बावेदा जाड़ जिड़ी के नाम से जाना जाता है। पवित्र तालाब में स्नान के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बाबा जित्तो की बलिदान भूमि होने के कारण जिड़ी को जम्मू प्रांत के एक पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सप्ताह भर के लिए विशाल मेला लगता है, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली सहित अनेक राज्यों से हजारों लाखों भक्तजन और भारतीय मूल के विदेशों में बसे श्रद्धालु पुण्य आत्मा भी कुलदेव बाबा जित्तो और भगवती की अंश बुआ कोड़ी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। मंदिर के पास ही गोसाई जी की प्रेरणा से कानाचक के ठाकुर रवेल सिंह जमवाल द्वारा बुआ की बावली एवं अष्टकोण शिवालय का भव्य निर्माण किया गया था। यह बुआ की बावली बांचन को संतान देने वाली है। किसानों को सामंतवाद की लूट खसोट और अत्याचार से बचाने के लिए अपना बलिदान देने वाले अमर ब्राह्मण भक्त किसान बाबा जित्तो को आज 625 साल बाद भी डुग्गर प्रदेश के महान लोक नायक एवं कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। साभार श्री जित्तमल चरित्रम। जय बाबा जित्तो जी, जय माँ भगवती वैष्णो देवी।